हाय सद्गुरु, हम सभी पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ये सोचकर कि पैसों से हमें खुशी मिलेगी। खुशी की सबसे ज़्यादा मार्केटिंग हुई है। हम सोचते हैं कि शराब पीने से हमें खुशी मिलेगी, किसी महिला के साथ रहकर हमें खुशी मिलेगी, मगर हमें खुशी कैसे मिलेगी? हम खुश कैसे रह सकते हैं? हम ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ हम ये तक नहीं जानते कि हमें कहाँ खुशी मिलेगी। तो खुशी आखिर है क्या? एक खुश इंसान कैसा लगता है और क्या करता है? ये मत कहिए कि खुशी के लिए अंदर देखो, ये जवाब मेरे लिए काम नहीं करता। मुझे सच बताइए। नमस्कारम विजय, और आप एक पहाड़ हैं, किसी पहाड़ को खुश कैसे करें? तो एक खुश इंसान कैसा दिखता है? मैं आपको कैसा दिखता हूं? अभी हम खुशी के बारे में ऐसे सोच रहे हैं मानो वो कोई वस्तु हो या किसी तरह की उपलब्धि हो। नहीं, जब आपका जीवन सहजता में आ जाता है, जब आप सहज हो जाते हैं, तो खुशी उसका एक कुदरती नतीजा है। Coming to ease, what does it mean? सहज हो जाने का क्या मतलब है? इसे देखने के कई तरीके हैं। खैर, चूंकि मैं अंदर की ओर देखने के लिए नहीं कह सकता, आपने पहले ही मुझ पर शर्त लगा दी है, तो क्या ये सच है कि आज विज्ञान की दृष्टि से भी ये साबित हो चुका है कि हर इंसानी अनुभव का एक रासायनिक आधार होता है, तो जिसे आप शांति कहते हैं वो एक तरह की केमिस्ट्री है, खुशी दूसरी तरह की केमिस्ट्री है, आनंद अलग तरह की केमिस्ट्री है, दुख एक अलग तरह की केमिस्ट्री, पीड़ा एक तरह की केमिस्ट्री है, परमानंद दूसरी तरह की केमिस्ट्री, हर मानव अनुभव का एक रासायनिक आधार होता है। और इन अदर वर्ड्स, यू आर अ वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल सूप। या दूसरे शब्दों में, आप एक बहुत जटिल रासायनिक सूप हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि आप एक बढ़िया सूप हैं या एक खराब सूप। अगर आप एक बढ़िया सूप हैं तो आपका स्वाद अच्छा है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। जब आपका स्वाद अपने लिए बहुत अच्छा है तो सिर्फ यहाँ बैठने पर आप अपने भीतर बहुत ही सुखद महसूस करते हैं, क्योंकि सूप बढ़िया है, फिर लोग कहते हैं कि आप खुश हैं। अगर आप बहुत अधिक सुखद हो जाते हैं तो लोग कहेंगे कि आप आनंदित हैं। अगर आप उससे भी अधिक सुखद होते हैं तो लोग कहते हैं कि आप परम आनंद में हैं। तो ज्यादातर लोगों के लिए बहुत सरल और समझने लायक भाषा में आपकी केमिस्ट्री को बदले जाने की जरूरत है। इसकी एक पूरी तकनीक है जिससे हम आपकी मनचाही केमिस्ट्री पैदा कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपने भीतर एक आनंददायक केमिस्ट्री उत्पन्न करना सिखाऊं, तो आपकी केमिस्ट्री अपने आप में आनंददायक होगी और आप भी आनंदित होंगे। जब आप आनंदित होते हैं तो आप खुशी की तलाश में नहीं रहते। ये सबसे बड़ी गलती है कि हम खुशी की तलाश में हैं। आपके जीवन को आनंद की एक अभिव्यक्ति बनना पड़ेगा। जब आपका जीवन आपके अनुभव की एक अभिव्यक्ति होती है तो आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इससे आपके जीवन की गुणवत्ता तय नहीं होती। आप अपने भीतर कैसे हैं, इससे आपके जीवन की गुणवत्ता तय होती है। माफ कीजिए, मैंने एक बार फिर भीतर शब्द का इस्तेमाल किया, मगर केमिस्ट्री भीतर नहीं है, यह अब भी आपके बाहर है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि सही सूप कैसे बनाना है तो आनंदित होना कोई समस्या नहीं है, ये उसका एक स्वाभाविक नतीजा है। So, we can teach you a technology. हम आपको एक तकनीक सिखा सकते हैं, एक तरीका सिखा सकते हैं जिससे आप अपने भीतर सही तरह का सूप बनाना सीख जाएंगे। इसे ही मैं इनर इंजीनियरिंग कहता हूं, कि आप अपनी केमिस्ट्री को इस तरह बनाएं कि वो अपनी प्रकृति से ही आनंदपूर्ण हो, किसी चीज के कारण नहीं। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज या किसी व्यक्ति से खुशी निचोड़ लेंगे तो आप निराश होंगे, क्योंकि जब तक कि आपके अंदर परमानंद की केमिस्ट्री नहीं है, किसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा।